इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच, विराट का अर्धशतक और उस अर्धशतक के बाद विराट कोहली का उनकी पत्नी अनुष्का और बेटी मामिका के लिए एक वार्म जेस्चर। ये मोमेंट इंडिया में क्रिकेट के दीवाने और साथ ही हर सोशल मीडिया यूजर को पता होगा, वो इसलिए कि दो दिन से इसी के चर्चे हो रहे हैं। लेकिन इस सब के पीछे एक गंभीर मुद्दा भी है जिसे हम मिस कर रहे हैं, उसी पर बात करेंगे आज के म्याऊं में। हाय, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं ऑर्डिनरी की स्पेशल सीरीज म्याऊं। विराट का अर्धशतक वाला किस्सा चर्चा में होने की वजह सिर्फ वो क्यूट मोमेंट नहीं है, वजह एक और है। वजह है विराट की बेटी वामिका की फोटो वायरल हो जाना। दरअसल जब विराट अर्धशतक पूरा करने के बाद उस मोमेंट को सेलिब्रेट कर रहे थे और बल्ला घुमाकर अनुष्का और उनकी बेटी की तरफ डेडिकेट कर रहे थे, तब मैच कवर कर रहे कैमरा ने उस मोमेंट को कैप्चर कर लिया। चूंकि उस वक्त अनुष्का की गोद में उनकी बेटी वामिका भी थी तो उनकी भी झलक कैद हो गई। बस इतना काफी था तस्वीरें वायरल होने के लिए। विराट और अनुष्का की बेटी का पहला लुक लोगों के सामने आया। इससे पहले बच्चे की कोई फोटो सामने नहीं आई थी जिसमें साफ तौर पर उसका चेहरा दिख रहा हो। अनुष्का और विराट बेटी की तस्वीर पब्लिक को दिखाने में या पब्लिक करने में कंफर्टेबल नहीं है और ऐसा उन्होंने कई बार पोस्ट लिखकर भी बताया है। जब मैच वाली वामिका की तस्वीर वायरल हुई उसके बाद भी विराट और अनुष्का ने पोस्ट लिखकर अपील की कि उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए और लोग तस्वीरों को शेयर ना करें। ये पहली बार नहीं था जब मैच के दौरान दर्शक दीर्घा के किसी व्यक्ति की फोटो वायरल हुई हो। समय समय पर अलग अलग मैच से किसी न किसी व्यक्ति या मोमेंट की तस्वीरें वायरल होती रही हैं। वो व्यक्ति या मोमेंट मीडिया सोशल मीडिया यूजर्स के लिए मीम कंटेंट बन जाता है। कई लोग इस वजह से रातों रात स्टार भी बन जाते हैं। आपको 2019 के ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान मैच के बाद वायरल हुई मोहम्मद सलीम की ये फोटो याद होगी। ये इंडियन मीमर्स का सबसे फेवरेट मोमेंट है। और ज़्यादा दूर ना जाएं तो कानपुर से शोभित पांडे की तस्वीर भी आपको याद होगी, जिसे देखकर लोग कह रहे थे कि ये गुटकेबाज कानपुर की असल पहचान है। इसके अलावा समय समय पर कई लड़कियों की भी तस्वीर वायरल हुई, जैसे IPL 12 के फाइनल मैच से अदिति मुंडिया की ये तस्वीर और IPL 2021 के हैदराबाद वर्सेस कोलकाता के मैच से काव्या मरान की ये तस्वीर। आप में से कुछ लोगों को 2018 का इंडिया पाक मैच याद होगा, उसकी ये तस्वीर याद होगी। पाकिस्तान की नाव्या पर मैच के दौरान कई बार कैमरा पर्सन ने कैमरे को फोकस किया, उसकी तस्वीर वायरल हुई। बात इतने पर नहीं रुकी, बाकायदा इंडियन लड़की की तस्वीर बराबर में लगाकर कंपैरिजन किया गया। और ये सिर्फ जो हो रहा है ये अभी नहीं है। खेल के मैदान में कैमरा हमेशा से खेल के अलावा कई मोमेंट्स को कैप्चर करता रहा है। सोशल मीडिया आने के पहले भी 90s किड्स को ना वो वाला किस्सा बहुत अच्छे से याद होगा, जब 2005 में इंडिया पाक मैच में जहीर खान के लिए आई लव यू जहीर वाला पोस्टर लेकर एक लड़की खेल के मैदान में आ गई थी। उस वक्त स्टेडियम में लगे बड़े स्क्रीन पर ये पोस्टर दिखाने के लिए कैमरामैन ने लड़की पर फोकस किया ताकि जहीर का ध्यान भी उस पर जाए। वैसा हुआ भी, युवराज सिंह ने वो पोस्टर देखा और जहीर को छेड़ने लगे। ये एक फैन मोमेंट था, लाइटर नोट पर फन मोमेंट टाइप। इसमें दिक्कत भी नहीं है, उस टाइम रिकॉर्ड तो होता नहीं था, सो बात वहीं खत्म हो गई। पर अब सीन वैसा नहीं है। मैच अब केवल ब्रॉडकास्ट नहीं होते, मैच रिकॉर्ड भी होते हैं। ब्रॉडकास्ट हुआ सब कुछ दर्ज होता है और मैच के दौरान लड़कियों के चेहरे पर फोकस करना, या यूं कहूं कि सुंदर लड़कियों के चेहरे पर फोकस करने का जो ऑब्सेशन कैमरा पर्सन्स में होता है, उसके बारे में गंभीरता से सोचेंगे तो पाएंगे कि अंपायर, कमेंटेटर, थर्ड अंपायर, रेफरी, पत्रकार मतलब अधिकतर पत्रकार, फोटोग्राफर, कैमरा पर्सन सभी पुरुष होते हैं। इसे डिजाइन ही मेल प्रोडक्ट की तरह किया जाता है, जैसे SUV गाड़ी या LIC की बीमा पॉलिसी। हम कभी ठहर कर ये भी सोचे कि एक तरह के बॉडी और फेमस टाइप की लड़कियों की तस्वीर ही क्यों वायरल होती है? शायद इसका जवाब यही है कि वो कैमरा पर्सन को भा जाती है और स्क्रीन पर आते ही मैच या TV देख रहे लड़कों के साथ कैमरा पर्सन का एक ब्रो मोमेंट हो जाता है। जब किसी मुस्कुराती, चहकती, उदास या प्रार्थना करती रैंडम लड़की पर कैमरा जाता है, उसे एक पुरुष के खेल में पुरुषों के द्वारा पुरुष के लिए टेलीकास्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है, इससे लड़की का क्या ही नुकसान हो जाता है, रातों रात स्टार बन जाती है, फेम भी मिलता है। बात ठीक भी है, फेम किसे नहीं पसंद, लेकिन इस फेम के साथ इसके प्रो और कॉन्स दोनों आते हैं। 2019 में RCB फैन गर्ल के टैग के साथ एक लड़की की फोटो वायरल हुई थी। रेड कलर का टॉप पहना था उसने, कैमरे ने उसे कैप्चर किया
और फिर वो रातों रात स्टार बन गई। कुछ दिन बाद उस लड़की ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट लिखा, मैं शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सभी से इतना प्यार मिला, पर जिस तरह की अतिरिक्त नकारात्मकता उसके साथ आई है वो मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मेरे लिए ये शोषण, ट्रॉमा, मानसिक टॉर्चर का मसला है। मैं कंफ्यूज हूँ ये सोच कर कि मेरा नाम और प्रोफाइल लोगों को कैसे मिली। मेरी पहचान, निजता और जीवन को एक पल में ही हैक कर लिया गया। रातों रात बढ़ने वाले मेरे फॉलोअर्स में कई पुरुष भी थे जिन्होंने सोशल मीडिया का इस्तेमाल मुझे असभ्य, अश्लील, बुरे और अपमानजनक मैसेजेस भेजने के लिए किया। सोचिए, फास्ट इंटरनेट के जमाने में किसी लड़की की तस्वीर मात्र के जरिए उसकी प्रोफाइल तक पहुंचना अगर इतना आसान है, तो उसके घर का पता लगाना और बाकी पर्सनल चीजों के बारे में पता करना कितना ही मुश्किल होगा। और जब हम किसी ऐसे शख्स की प्रोफाइल पर पहुंचते हैं तो हम उसे स्टॉक करके ना उसे बेसिकली जज कर रहे होते हैं। वो क्या सोचता है, क्या इंटरेस्ट है उसका, उसका करीबी कौन है और न जाने हम क्या क्या देख रहे होते हैं। कानपुर के वायरल या सो कॉल्ड गुटकाबाज लड़के ने हमसे इंटरव्यू में कहा था, लोग मुझ पर जो कमेंट कर रहे हैं वो तो ठीक है, मजाक में है, पर मेरे बगल में बैठी लड़की को मेरी प्रेमिका बताना, ऐसे कैप्शंस लिखना, फाइंड समवन हु लुक्स एट यू लाइक दिस गर्ल इज लुकिंग इन हिज आईज, ये सब लिखना बहुत गलत है, वो मेरी बहन है। 15 सेकंड के क्लिप से लोगों ने न जाने क्या क्या गढ़ लिया, क्या क्या मान लिया। ये सब कुछ बताने समझाने का सार बेन पार्कर की स्पाइडरमैन मूवी के इस डायलॉग में है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये रेखा आपको और हमें मिलकर तय करनी होगी कि कहाँ रुकना है, कहाँ रेखा खींचनी है, किसके बियॉन्ड नहीं जाना है। और यही बात हमें विराट और अनुष्का की बेटी की तस्वीर के मामले में भी ध्यान रखनी है कि उसे आगे नहीं बढ़ाना है, उसे मॉर्फ नहीं करना है, उसे आगे शेयर नहीं करना है, उसका गलत इस्तेमाल नहीं करना है। आप क्या सोचते हैं इस मसले के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये एपिसोड ये भी बताइएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।